हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्टाइल क्लास गाइस। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अलजेब्रा पार्ट थ्री गाइस। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल टाइप ऑफ द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन गाइस, रेलवे, बैंक, SSC, CDS, CAT एंड एनी टाइप ऑफ द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एंड द मैथ इज कम अंडर द सिलेबस ऑफ द डैट एग्जामिनेशन, सो अलजेब्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। एंड ये जो है, अभी आपको पता है कि हमारे पूरे ग्लोब में जो है एक बहुत ही पैंडेमिक फैल चुकी है, ठीक है। तो वो उसका जो है हमारे इंडिया में भी बहुत अच्छे लेवल से बढ़ रहा है, बहुत ही ख़राब लेवल से, मतलब एक तरीके से बोले तो बहुत ही तेज़ी रफ्तार से बढ़ गया है। कुछ मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि जाहिल लोगों के कारण थोड़ी सी वो दिक्कत आ गई कि मतलब अगर आप बोलें तो यहाँ पर लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर बहुत लोग कम्यूनल हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि नहीं, हमारे धर्म को ऐसे दबाने के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पे इसके लिए नहीं है। किसी धर्म को भी इंडिया में नहीं दबाया जाता है, ठीक है, बिकॉज इंडिया इज़ अ लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री गाइस। तो ये एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में आप रह रहे हैं, आपके धर्म पे कोई खतरा नहीं है, आपके ऊपर खतरा है। इसीलिए हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि आप घर पर रहिए। अगर आपको अपने आप को सेफ रखना है, अपने सोसाइटी को सेफ रखना है, अपने फैमिली को सेफ रखना है, तो बिल्कुल स्टे होम एंड स्टे हेल्दी गाइस, राइट। सॉरी, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं गाइस। एंड ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो जीरो से हीरो वाली क्लास में आपका स्वागत है, फर्टाइल क्लासेस पर आशीष सर के साथ। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ, अगर आप मान लीजिए अगर अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं, और इस कोड को अप्लाई करके आप 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। ये मेरा कोड है गाइस, SHIVGOBIND 1001-501, ठीक है। तो इस कोड को जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। कहाँ पे? अनअकैडमी प्लस पे। अदरवाइज आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथ ही नहीं, GK GS करेंट अफेयर की भी क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा ये, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि A*B = ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है कि A*B अगर आपका लिखा हुआ है तो वो किसके बराबर है गाइस। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि A*B, इट मीन्स वी कैन राइट इट एज A*B = 2A-3B + AB, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स गाइस? And we have to find out the value of what? We have to find out the value of 3*5 and plus 5*3, right? So this is the very simple guys. तो पहला बार हमको एक जगह पे 3 लेना है, बी के जगह पे 5 ले लेना है, दूसरी बार एक जगह पे 5 लेना है और बी के जगह पे 3 ले लेना है। अब यहाँ पे देखो, मैं इसका वैल्यू निकालता हूँ, 3*5 + 5*3, ठीक है। ये आपके पास दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग रख रहे हैं, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो 2 × 3 - 3 × 5, राइट, प्लस वी कैन राइट हियर A × B मीन्स 3 × 5, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स गाइस? नाउ वंस अगेन हम लोग फिर से क्या करेंगे, ए के जगह पे 5 लेंगे और बी के जगह पे 3 ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 5 - 3 × 3 + 5 × 3, राइट। तो 5 × 3 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया 6, यहाँ है 10 और यहाँ है फिर से आपका 15। तो 15 एंड प्लस 6 21 एंड 10 31, 31 - 9 = यू कैन से दैट 22 गाइस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो ऑप्शन ए जो है ये आपका 22 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, तो ये क्वेश्चन को भी देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम लोग बात करें गाइस, तो ये टर्म जो है आपका ये दिया हुआ है P + Q
आप यहाँ पे बोल सकते हो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी पी इंटू क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई पी बाई क्यू एंड देन वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 8 क्रॉस 2, राइट। दिस इज द वेरी सिंपल गाइस, आप यहाँ पे इसका वैल्यू बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हो। अब जैसे पी क्रॉस बी पी क्यू, तो पी को जोड़ा, फिर क्यू को जोड़ा, फिर पी और क्यू को डिवाइड कर दिया, यही था। अब हमको क्या है, 8 × 2 निकालना है, तो 8 + 2 करेंगे और फिर 8/2 कर देंगे, 10 और 4 14, तो 14 जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया गाइस, राइट। ऐसे ये जो है थोड़ा सा लेवल डाउन है गाइस, बिल्कुल आपका धीरे धीरे लेवल स्टार्ट करूंगा, इसीलिए तो इस क्लास का नाम है 0 से 0, ठीक है। तो धीरे धीरे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। तो ये सारा जो है आपके लिए, अब देखिए थोड़ा सा लेवल हाई हुआ है क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास दो नंबर है, पहला नंबर, एक नंबर एक्स है और दूसरा नंबर है हमारे पास वाई, ठीक है। अब एक्स है और दूसरा नंबर है वाई। अब एक्स और वाई, एक्स जो है वो वाई से क्या है, बड़ा है, एक्स जो है वाई से बड़ा है, इस प्रकार की उसका सम जो है हम लोगों को यहाँ पे सम जो है उसका उसके डिफरेंस के 3 गुने के बराबर है, यही क्वेश्चन बोला। देन हम लोगों को इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है 3xy का। अब गाइस हमारे पास इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि एक्स वाई दो हमारे पास संख्या है, एक्स वाई, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स गाइस? सो वॉट वी कैन राइट हियर, एक्स वाई हमारे पास है जिसमें एक्स जो है वो बड़ा है, और बोला कि एक्स प्लस वाई जो है वो आपका 3 टाइम थ्राइस ऑफ द एक्स माइनस वाई है। तो इससे अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं गाइस, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3x - 3y, राइट। एंड अगर हम लोग एक्स को यहाँ पे लिखें तो -2x और यहाँ पे आ जाएगा -2y, अगर -2 से 2 को काट दो तो एक्स इक्वल टू सॉरी -4y आ जाएगा गाइस, क्योंकि ये भी माइनस इधर जाएगा तो माइनस ये आ गया। तो इसको जब करोगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एक्स इक्वल टू हमारे पास आ गया 2y, राइट, समझ में आ रहा है। तो x इक्वल टू हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2y लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया x इक्वल टू 2y। अब x इक्वल टू 2y जो है यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, अब इसके बाद इसका वैल्यू निकाल लेंगे। दिस इज अ वेरी सिंपल गाइस। अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू, अब हमारे पास किसका वैल्यू निकालना है, 3xy का, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2y रख दो, तो 2 × y × y, राइट। अब यहाँ भी नीचे भी है तो नीचे भी हम लोग इसको 2y का स्क्वायर कर देंगे और -y² तो डायरेक्टली अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पे नीचे क्या कर सकते हो, नीचे तुम इसको डायरेक्टली 4y² भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, 4y², ठीक है, 4y² और फिर यहाँ पे आ गया -y². अब यहाँ पे देखो ऊपर आ गया 6y², नीचे भी आ जाएगा आपका 3y² × 2 6y², ये दोनों कट गया तो आपका वैल्यू आ गया 1, और 1 जो है वो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर गाइस, राइट। सो विच ऑप्शन इज अ करेक्ट, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। अब अगर इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें कि ये क्वेश्चन में बोला हुआ क्या है, ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। अब यहाँ पे बोला गया है कि ए बी इज इक्वल टू 2/3 एंड बी बाई सी इज इक्वल टू 4/5, राइट। गेटिंग माई पॉइंट्स गाइस? ओके, तो सी बाई बी अगर हम लोगों को बी बाई सी से अगर इसको लिखना हो तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं गाइस, राइट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, पहला है ए ए बाई बी इज इक्वल टू 2/3 एंड बी बाई सी इक्वल टू 4/5। तो सी बाई बी इक्वल टू अगर हम लोग इसको लिखें तो क्या मैं इसको 5/4 लिख सकता हूँ, ठीक है, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अगर अब यहाँ से स्टार्ट करना, अगर हम लोगों को निकालना क्या है, ए बाई बी प्लस बी बाई सी, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स गाइज? अगर मैं दोनों में से अगर क्या कॉमन ले लूँ, बी कॉमन ले लूँ, बी कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए बाई बी, और यहाँ पे आ जाएगा +1। अगर यहाँ से अगर b कॉमन ले लेता हूँ तो b कॉमन लेने के बाद यहाँ पे +1 और यहाँ पे आ जाएगा c बाई बी, राइट। अब b से b कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू रख दो,
ए बाई बी कितना था हमारा, था 2/3 प्लस 1। नीचे अगर हम लोग करेंगे तो 1/1 प्लस सी बाई बी, सी बाई बी कितना था 5/4। इसको जोड़ देना जो आएगा वो आंसर होगा। तो 2/3 प्लस 1 इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/3, और इसको 1 प्लस 5/4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 9/4। राइट, आर यू गेटिंग। तो यहाँ पे ये कितना आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20/27। तो ये तो एक मेथड है, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, राइट, कॉमन लेके इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड आता है तो। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपका थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप देखें तो कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेटेड इस तरीके से है, अब देखो अगर आप चाहो तो एक और तरीके से इसको बना सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका है गाइस। इसके बाद सबसे पहले आप क्या करो कि इसका ए इज टू बी इज टू सी निकाल लो। तो सॉरी गाइस, ए इज टू बी अगर आप इसको करते हो तो बी इज टू सी, तो इसमें चार से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर बराबर होगा, क्योंकि बी बी हम लोग को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसका भी बी बार आ गया, इसका भी बी बार आ गया, तो क्या हम लोग इसको 8:12:15 लिख सकते हैं। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स गाइस। नाउ अब जब इतना समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिख देना, वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस अगर समझ में आ रहा है तो। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, 8, 12, 15, अब हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस बी बाई सी। ठीक है, अब ए प्लस बी, तो ए प्लस बी अगर करोगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी अगर करोगे तो 20 आ जाएगा, और अगर बी प्लस सी करते हो तो बी प्लस सी आपका 27 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी मैंने बताया था ना शायद, तो वो गलत था क्योंकि उस समय भी 20/27 ही आया था, अभी भी 20/27 आ रहा है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है गाइस जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव गाइस। क्वेश्चन इज गिवेन, एक्स एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू 3x + y, देन यू हैव टू फाइंड आउट द 2*3 + 3*y। यू आर हैविंग द 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए इज 18, ऑप्शन बी इज 29, ऑप्शन सी इज 32 एंड ऑप्शन डी इज 38 गाइस। राइट, हिंदी में क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। यदि x*y = 3x + 2y है तो बताइए कि 2*3 + 3*4 क्या होगा। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, x*y = क्या दिया हुआ है, x*y = 3x + 2y, मतलब पहले वाले संख्या में 3 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरे वाले संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करके बीच में जोड़ देना है। अब यहाँ पे देखो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 2*3 + 3*4। दिस इज द वेरी सिंपल गाइस, अब पहले वाले संख्या में 3 से मल्टीप्लाई करो और दूसरे वाले संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 और +6, बीच में प्लस का साइन, प्लस उसी तरीके से पहले वाले में 3 से करो, दूसरे वाले में 2 से करो, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 8, तो यहाँ पे 12 और 9, 12 9 21 और 8 29, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, यू कैन से 29, इट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 29 इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं एक और क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है गाइस। ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3, बी इज टू सी इक्वल टू 4:5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इज टू बी सी। यदि हमारे पास ए इज टू बी, ए रेशियो बी जो है वो 2:3 है और बी इज टू सी जो है वो 4:5 है, तो बताइए कि ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी सी किसके बराबर है। आपके पास 4 ऑप्शन है, राइट, सो वी हैव टू चेक Which option is a correct guys, right? So now I am going to check guys. So what is the question? अब देखो यहाँ पे a is to b equal to, we can write here the 2:3. b is to, अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे b is to c कितना है, b is to c you can write here 4:5. अगर हम लोग इससे अगर a इज टू b इज टू c निकालना चाहें तो यहाँ पे दोनों को अगर b का वैल्यू अगर इक्वल कर दें तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें अगर b का वैल्यू इक्वल करोगे तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 8:12:15। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ अब यहाँ पे कर लो, अब हमको निकालना क्या था, हमें निकालना था यहाँ पे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था गाइस, हमें निकालना था ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इज टू बी सी।
दिस इज द सिंपल गाइस। अब यहाँ पे देख लो, ए स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है 8, तो इसका 64, बी का स्क्वायर 12, तो 12 का स्क्वायर 144, और यहाँ पे बी इंटू सी करोगे तो 12 × 15 जो होता है वो आपका आ जाएगा 180। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180, राइट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया 180, राइट। अब इसको क्या करो, 4 से सॉल्व, इसको डिवाइड कर दो, 4 सब में से कॉमन ले सकते हैं, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 16। इसको अगर 4 से करेंगे तो कितना बार में, 36 बार में कट जाएगा। अगर इसको 4 से करते हैं तो 45 बार में ये कट जाएगा। तो एक का आ गया 16, दूसरा का आ गया 36, और तीसरा का आ गया 45। सो इट विल बी द करेक्ट आंसर गाइज। तो यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग चले तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर गाइज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। आप यहाँ पे बोल सकते हो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पे देखो, ए इज टू बी इक्वल टू 1:1:2, बी इज टू सी इज इक्वल टू 3:4, एंड सी इज टू डी इक्वल टू 5:6, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत ही सिंपल है गाइज। अब यहाँ पे उसी तरीके से मैंने बताया, अब यहाँ पे आपको उल्टा करके निकालना है डी सी बी ए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ क्या है, हमारे पास दिया हुआ है ए इज टू बी इज इक्वल टू 1:2, ठीक है। दूसरा में है बी इज टू सी, ये किसके बराबर है, 3:4, ठीक है। तो सबसे पहले इससे हम लोग निकाल लेंगे ए इज टू बी इज टू सी। तो ए इज टू बी इज टू सी अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, ये दोनों में 3 से और ये दोनों में 2 से, तभी जाकर इसका बी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों जगह पे बी जो है वो आपका सेम है। तो यहाँ पे आप 3:6 ले लोगे, फिर यहाँ पे कितना ले लोगे आपका 6, यहाँ भी तो 6 तो सेम आ गया, फिर यहाँ पे 3:6 and 8, 3:6:8 आ गया। अब अगर नेक्स्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे सी डी कितने के बराबर है, सी डी जो है वो आपका बराबर है 5:6 के बराबर, सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे 5:6। अब यहाँ पे देखो इसमें हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें 5 से करेंगे, इसमें 8 से कर देंगे। तो जब हम लोग इसको 5 से और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ए बी सी डी जो है वो आपका क्या बन जाएगा, a:b:c:d, कितना हो जाएगा 15, फिर यहाँ पे आ जाएगा 30, फिर यहाँ पे 40, और फिर इसके बाद आ गया 48। तो ये यहाँ पे 4 टर्म आ गया। अब ये जो है ए बी सी डी है, हम लोगों को निकालना क्या है, बी सी डी ए, मतलब डी सी बी ए। अब डी सी बी ए निकालना है तो उसको उल्टा कर देंगे, दिस इज द सिंपल गाइस। इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। अब हम लोग यहाँ पे देखो इसको उल्टा कर देंगे, बी सी डी ए, राइट, बी सी नहीं, ये आपका था डी सी बी ए ना। इसको हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, डी सी इज टू सी इज टू बी इज टू ए। तो डी का वैल्यू कितने के बराबर था, 48, तो 48 पहले लिख दो, देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, आगे का भी देख लो, ऐसे पहले ही से आप बता सकते हो कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपका ये डी ऑप्शन होगा, तो 48। फिर उसके बाद अगर बात करोगे तो नेक्स्ट में कितना आ जाएगा, तो नेक्स्ट में जो आएगा 48 के बाद 40 आ जाएगा, फिर उसके बाद 30 आ जाएगा, फिर उसके बाद 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर गाइस, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पे सबसे पहला ए इज टू बी बोला है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको क्या करो, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आता है तो उसको डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जैसे हमारे पास था 2a-5b डिवाइडेड बाई 3a+6b, 3a+6b इज इक्वल टू 4/7। इसको क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। इसको क्या लिख सकता हूँ, 14a-35b, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 12a, और ये कितना आ जाएगा 24b, राइट, आर यू गेटिंग गाइस। नाउ व्हाट वी कैन राइट हियर, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 14a-12a, और ये आ जाएगा 24b, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 35b, राइट। तो यहाँ पे 2a इज इक्वल टू, व्हाट वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट द 59b,
तो यहाँ पे ए इज टू बी, बी को इधर भेज दो तो ए बाई बी इक्वल टू 49/2 एंड ए इज टू बी इक्वल टू यू कैन राइट हियर द 59/2, राइट? सो इट विल बी द करेक्ट आंसर गाइज। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर गाइज, राइट? चलो बहुत ही सिंपल था। तो आई होप यही था कंप्लीट क्वेश्चन आपके लिए गाइज जो कि मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो और अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक चाहिए जिसका, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो गाइज, बिल्कुल मैं आपको स्पेशल सेशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? तो चलिए, अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकते हैं, बिल्कुल इसको शेयर करिए। अगर अभी तक अगर आप लोगों ने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन गाइज। सो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे होम, स्टे हेल्दी, बीट कोविड 19 गाइज। सो थैंक यू।